हेलो फ्रेंड, वेलकम टू JM किचन। आज हम बनाने वाले हैं घेवर। तो फ्रेंड, सावन का महीना है और ये बेस्ट टाइम है घेवर बनाने का। वैसे भी कल हरियाली तीज है तो घेवर हर कोई बनाना चाहता है, इसलिए मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे। तो यहाँ हमने मीडियम साइज़ वाला जो हमारा मिक्सी का जार होता है वो ले लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घी। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। सो फ्रेंड्स, इस टेक्निक से अगर आप घेवर बनाओगे तो घेवर बहुत अच्छा भी बनेगा और इसे बनाना भी बहुत आसान होगा। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 आइस क्यूब ले लिए हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो घी है वो हमारा बर्फ़ के साथ में अच्छे से इस तरह जम सा गया है, मीन्स यहाँ एक मक्खन के जैसा ये दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दूध। दूध ना हमारा ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पे हमने यहाँ पर दूध को लिया है। अब हम इसे भी मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। आप देख सकते हैं जब हम घी निकालते हैं ना तो वो कैसे दिखता है मक्खन के जैसे, वैसे ये दिख रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स 1/2 कप मैदा और चिल्ड पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1/2 कप मैदा लिए हैं और मैदा को हमें एक साथ नहीं डालना है। हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पीसेंगे। तो पानी यहाँ पर एकदम चिल्ड होना चाहिए। इसी टेक्निक से हम इसे लास्ट तक के पीसते जाएंगे, मीन्स हमें पूरा मैदा जो है वो थोड़ा थोड़ा कर ही पीसना है। एक साथ डालने से इसमें गुठलियाँ गिर सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार डालकर पीस लिया है। अब हम इसमें और थोड़ा मैदा डालेंगे और पानी डालकर पीसेंगे। इस तरह हम पूरी मैदा जो है वो पीस लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी मैदा को अच्छे से पानी डालकर पीस लिया है। अब हमें हलवाई स्टाइल घेवर बनाना है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेसन और इसे भी डालकर हम अच्छे से चला लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बनकर रेडी है। बट अभी यहाँ पर ये प्रोसेस पूरी नहीं होती है। अभी हमें इस बैटर को 5 मिनट मिक्सी में अच्छे से फेंट लेना है। पर हाँ, उसे हमें कंटिन्यू नहीं फेंटना है। पहले 1-2 मिनट फेंटना है, फिर 1/2 मिनट के लिए स्टॉप करना है, फिर 1-2 मिनट फेंटना है, फिर स्टॉप करना है। इस तरह हमें इसे 5 मिनट के लिए फेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे फेंट कर ले लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा वीडियो जो है वो स्किप हो गया है, इसलिए आप यहाँ पर 1 नींबू का रस ज़रूर ऐड करिएगा। इसके बाद जब हम इसे 5 मिनट कंटिन्यू फेंटते हैं तो बैटर हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाता है हीट की वजह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे आइस क्यूब के ऊपर रखा है ताकि बैटर हमारा ठंडा रहे। जितना ठंडा हमारा बैटर रहेगा घेवर उतना ही अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं मैंने बैटर के अंदर भी 1 आइस क्यूब डाला है जिससे कि बैटर अच्छा ठंडा रहे। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बर्तन बता देती हूँ कि हम किस किस में घेवर बना सकते हैं, क्योंकि हर घर में घेवर का मोल्ड रहना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो स्टील के डब्बे में भी घेवर बना सकते हैं, गंज में भी बना सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में आज घेवर बनाने वाली हूँ। तो आधी से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ तेल लिया था कढ़ाई में और उसे अच्छे गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने बैटर को थोड़ा थोड़ा डालना इसमें स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और जैसे ही बबल्स नीचे बैठ जाते हैं वैसे ही हम डबल से उसमें बैटर डालेंगे। इसी तरह आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है और ये प्रोसेस कम से कम 15 से 20 बार करना है, जब जाकर हमारा जो घेवर है वो अच्छा बनेगा। तो मैं इसी प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करते हुए घेवर बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 15 से 20 बार बैटर को डाला है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी नेट फॉर्म हुई है, मीन्स जाली फॉर्म हुई है और घेवर भी अच्छा दिख रहा है।
हो सकता है आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो पहला वाला जो घेवर है थोड़ा बिगड़ जाए, पर सेकंड वाला घेवर बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर हम नाइफ से या फिर स्पून से घेवर की जो एजेस होती है उसे थोड़ा क्लियर कर लेंगे ताकि इसे सेकने में आसानी हो। मैं यहाँ पर इसे नाइफ से थोड़ा इसे क्लियर कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा तेल में डीप करने से ऊपर की जो लेयर है घेवर की वो अच्छे से सीख जाए। इसके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा घेवर जो है वो बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी तरह सीख गया है। तो इस तरह हम कोई स्टिक से या फिर हमारी जो दाल घोटनी होती है ना राई, उसके डंडे से इस तरह हम घेवर को निकालेंगे कोई नेट पे, जिससे कि इसमें का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह निकल जाए और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। प्लेट में मैंने यहाँ पर एक, अब इस तरह हम घेवर बना लेंगे। अब घेवर बनाने के बाद हम उसमें चाशनी डालेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको चाशनी बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक कप चीनी, और जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से हम लेंगे पानी। अब यहाँ पर हम चीनी और पानी को अच्छी तरह चलाते हुए घोल लेंगे, मीन्स कि जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक कि हम इसे चलाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चीनी पानी में अच्छी तरह घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ केसर के तार, जिससे कि इसमें कलर भी आएगा और अच्छा फ्रेग्रेंस भी आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 इलायची का पाउडर, जिससे चाशनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसे फिर घेवर पे डालने से भी घेवर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सभी को अच्छे से चलाते हुए एक तार की चाशनी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ एक तार की चाशनी कैसे बनाते हैं। मतलब इसको चलाते रहना है और इस तरह उंगलियों पर चाशनी हल्की सी लेकर उंगली को इस तरह देख चेक कर पता चलना चाहिए, बीच में एक तार फॉर्म होता है, तब समझ लेना कि हमारी जो चाशनी है वो बन गई है, तभी हमें गैस को बंद करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं तार बराबर फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा हमें चाशनी को और चलाना है, ज़्यादा देर नहीं, बस आधी मिनट। इसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद और यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार है। मैं एक बार आपको फिर से तार बनाकर बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाशनी में एक तार आ रहा है, मतलब हमारी चाशनी जो है वो बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं हमारे घेवर की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दूसरा घेवर भी बनना चालू है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा बैटर रखकर हम इस तरह घेवर बना लेंगे। तो इसी तरह आपको सारे घेवर बना लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दूसरा भी घेवर बन गया है, बस अब हम इसे हल्का सा सेक लेंगे। तो इसी तरह हम सारे घेवर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मेरे इतने बैटर में कितने घेवर बने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छी मीडियम साइज़ की है, इसलिए हमारे घेवर का साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे 3 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको घेवर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप बैटर का जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसे डबल कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, घर में घेवर बनाना बहुत आसान है, बाहर ये घेवर बहुत महंगे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 चम्मच घी और आधी कप मैदा में इतने अच्छे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं और चाशनी के घेवर बना लेते हैं। वैसे तो आप ये ड्राई घेवर को स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी इसमें चाशनी या रबड़ी डालकर कभी भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले बनाएंगे रबड़ी का घेवर। तो यहाँ रबड़ी मेरे पास पहले से बनकर तैयार थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर रबड़ी का वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हमने जो चाशनी बनाई थी वो चाशनी में यहाँ घेवर पर डालूंगी। हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि रबड़ी जो है वो भी हमारी मीठी है, इससे हम थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। अगर आप पूरा चाशनी का घेवर बना रहे हो तो अब चाशनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालनी होती है। तो इस तरह हम यहाँ पर रबड़ी भी डाल देंगे। रबड़ी को यहाँ पर हम घेवर पे सभी तरफ अच्छे से फैला लेंगे। सो फ्रेंड्स, रबड़ी का घेवर भी मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, आप इसे घर पे ही बनाइए और इस चीज को घर पर बनाकर घर पर ही बढ़िया आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। और सबको मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। तो यहाँ पर हमने जो ये रबड़ी डाली है इसे हमने अच्छे से फैला लिया है। अगर आपके पास में चांदी का वर्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि ये और भी टेम्पटिंग लगे और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगे। अगर आप यहाँ पर चांदी का वर्क है आपके पास तो वो भी लगाइए, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ हमारा रबड़ी घेवर बनकर तैयार है। और अब मैं आपको बताती हूँ चाशनी का घेवर कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा ड्राई घेवर है, थोड़ा सा फ्रेंड्स मेरा बीच में से घेवर टूट गया है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे चाशनी। यहाँ पर हम चाशनी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम रबड़ी नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें मिठास अच्छे से आने के लिए हम चाशनी थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं।
बस इसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और इसके बाद अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो वो लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा चाशनी का घेवर बनकर रेडी है। सो फ्रेंड्स, बनाना आसान है कि नहीं है घेवर, तो जल्दी सी कि देर किस बात की, ज़रूर इसे आप ट्राई कीजिए और इस हरियाली तीज को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।